पीसीसी पर सूत्रों से बड़ी खबर, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सवाल उठे हैं। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। यूसीसी पर जल्दबाजी नहीं हो, ऐसा विपक्ष की तरफ से कहा गया है। यूसीसी पर जल्दबाजी हो रही है, सबसे चर्चा के बाद ही बिल लाया जाए, विपक्ष की तरफ से ये भी कहा गया है। ये एक परिवार का कानून नहीं है, इसमें सभी धर्म समुदाय शामिल होने चाहिए, सबको भरोसे में लेने की जरूरत है। शिवसेना बीएसपी ने विरोध नहीं किया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। रविंद्र कुमार मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, और क्या जानकारी इस बड़ी खबर पर? बिल्कुल, देखिए स्टैंडिंग कमेटी की लगभग दो घंटे तक बैठक चली और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के संजय राउत हों या बीएसपी के हों या फिर बीआरएस के, इन सदस्यों ने यूसीसी को लेकर विरोध नहीं किया बल्कि यही कहा कि सबसे बातचीत करके ही इसके लाया जाए, जितने भी स्टेक होल्डर है उनसे बात करके लाया जाए। ऐसे सिख समुदाय का भी कुछ परेशानी हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट में आदिवासी समाज के लिए भी अपनी अपनी मान्यता है, तो सबको ध्यान में रखकर ही यूसीसी लाया जाए। लेकिन जल्दबाजी क्यों, चुनाव के समय ही ये यूसीसी का बखेड़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है? जबकि जो इस लॉ कमीशन के अधिकारी इसमें मौजूद थे उन्होंने बोला कि लाखों की संख्या में सुझाव आए हैं और लॉ कमीशन उसका अब उसका कंपाइल करके अपनी ड्राफ्ट सरकार को देगा। तो कहीं ना कहीं एक तरफ सरकार भी इस मॉनसून सेशन में लाना चाह रही है, स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट बना रही है, लॉ कमीशन भी अपने सुझाव सरकार को दे रहे हैं, तो तीन तरफा यूसीसी को लेकर तैयारी चल रही है और माना जा रहा है कि मॉनसून सेशन में आएगा तब बीएसपी हो या शिवसेना हो या फिर बीआरएस जैसे दल इसका विरोध नहीं करेंगे। यानी कि यूसीसी को लेकर अभी सियासी बहस और मंथन जारी रहेगा। शुक्रिया आपका रविंद्र जानकारी पहुंचाने के लिए। Z News.